आज जो ये अखिल जैन महामंडल का जो कार्यक्रम हो रहा है विश्व मैत्री दिन के बारे में, उसके बारे में आप बताएंगे? जी, भारत जैन महामंडल की तरफ से हर साल यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जहाँ पे चारों पंथ साथ मिलकर एक साथ बैठते हैं और चारों पंथों के आचार्य भी आते हैं और कॉमन समायाचना, जो कि जैन लोगों का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है समस्वरी, उस पे सारे लोग मिलके समायाचना करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आज यहाँ विविध धर्म के और कुछ महान हस्तियों को भी जो सम्मानित किया जा रहा है, उसके बारे में बताइए। जी, हर साल हम लोग ये चाहते हैं कि जो समाज में अच्छा कार्य करते हैं उनको सम्मानित किया जाए, इसलिए हम लोग हर साल कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को चुनकर उनका सम्मान करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी काफी दूर दूर से लोग आए हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, राजस्थान, सब जगह से लोग आए हुए हैं और अभी तो कुछ बसें आनी बाकी है, लोग निकले हैं तो काफी, मतलब 3,000 के करीब लोग आने की संभावना है। यह जो कार्यक्रम है इसके बारे में आपका प्रमुख योगदान क्या है? जी, योगदान तो कुछ नहीं है, एक कुछ ऐसा योगदान हमने किया है कि आज का प्रीति भोज जो था वो हमारी तरफ से रखा गया है। मानिक भाई, यूनिलीवर के जो अभी आपके पितामह थे मूलचंद शाह, उनके हाल ही में जन्म शताब्दी गई और वो प्रॉफिटेबल बुक जो रिलीज की, उसके बारे में एक दो शब्द कहिए। मेरे पिताजी राजस्थान से आए हुए थे और काफी मुश्किल समय में उन्होंने बॉम्बे में अपना जीवन स्टार्ट किया और वो संघर्ष से शिखर तक पहुंच गए, उसके लिए मैं चाहता था कि उनकी इस जीवनी से लोगों को कुछ प्रोत्साहन मिले, इसलिए मैंने एक कॉफी टेबल बुक का आयोजन किया और सबसे पहले शायद आपने भी देखा होगा, निवेदन करूंगा, हो सकता है उससे कुछ लोग प्रोत्साहित हुए और समाज से चारों धर्म का फिरका बनाया है, कोकिल कंठी मधुर खाई का आज यहाँ पे सुश्री अभिलाषा बाठिया से मेरा निवेदन है। सम्मानित में के माध्यम से इस कार्यक्रम को शुभारम्भ जैन है एवं कुछ ये त्यौहार है और हम चाहते हैं कि जो जैन में भी चार लड़के हैं सब मिलके जैन धर्म के सभी त्योहारों को मनाएं, उसके लिए कोशिश जारी है। विश्व मैत्री सामुदायिक क्षमा दिवस के अवसर पर आज भारत जैन महामंडल द्वारा सन्मुखानंद हॉल में जैन समाज रत्न अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अमूल्य योगदान देने वाले और समाज सेवा के दिग्गजों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जैन धर्म के चारों मंडलों का एकीकरण हुआ, वहीं राष्ट्रसंत एवं महाराज महासती जी ने आशीर्वाद दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आदि उपस्थित थे। पूरे कार्यक्रम का प्रतिकृति पुरस्कार और स्वागत समारोह यूनिलीवर के CMD मानिक शाह द्वारा आयोजित किया गया था।